गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप 8th चैप्टर द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना आज, ठीक है? तो देखिए, चलो आज जो थ्योरी है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बढ़िया वाला है, इंटरेस्टिंग वाला है, चल ना समझियो, ठीक है? आपने कल जो किया था, आप थोड़ा जो रिपीट कर लेने, जो लास्ट क्लास डिस्कस किया था, दैट वाज जो अपने को हाफ लाइफ होती है, वो होती है 0.693 बाय लैम्डा। जो अपने को एवरेज लाइफ होती है, वो होती है 1 बाय लैम्डा। तो ऑटोमेटिकली 1 बाय लैम्डा दैट इज टॉ इज ग्रेटर देन टी हाफ, द टॉ इज ग्रेटर देन टी हाफ। आज ऑल्सो जो टॉ बाय टी हाफ की रेशियो है दैट इज 1.44, तो जो टॉ है वह 1.44 टाइम्स टी हाफ इक्वल होगा, ठीक है? तो टॉ क्यों होगा 1.44 टाइम्स टी हाफ इक्वल होगा। फिर आपने इसका आगे की किया, आपने अल्फा डीके का केड़ा केड़ा मैथमेटिकल पार्ट है कि जो अपने को न्यूक्लियस से अल्फा निकलता है तो कि इक्वेशन बनती ने की होंगे की पॉसिबिलिटीज होंगे, ठीक है? और सारी सारी थ्योरी कंप्लीट करा आप। हैडिंग भी है अल्फा डीके। आज वाला जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज अल्फा डीके। तो होगा केस कि अपने को एक्स जेड ए हो गया, अपने को पेरेंट नी प्ले हो गया, नाला नोट कर चलो, जिदे विच एक डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल निकलूगा। हुण अल्फा पार्टिकल केड़ा हैगा अपने कोल, हीलियम दा न्यूक्लियस है, एक अपने कोल एनर्जी निकलू, जिहड़ा डॉटर न्यूक्लियाई निकलू ओह मिलूगा जेड माइनस टू ते ए माइनस फोर वाला। पहला भी डिस्कस किया सी, दिस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। ते मास नंबर की हो जो चार ते डिक्रीज कर जूगा, जिहड़ा एटॉमिक नंबर है दैट विल डिक्रीज बाय 2। तो इतने अप्लाई करांगे आपां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, मोमेंटम प्रिंसिपल, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। मोमेंटम भी केड़ा हैगा लीनियर मोमेंटम। तो अपने को की हो जाऊगा, तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ हो जाऊगा, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम की है, पेरेंट न्यूक्लियर की रेस्टी है, तो मोमेंटम की वैल्यू जीरो। तो अपने को जो एम अल्फा वी अल्फा प्लस एम डॉटर इनटू वी डॉटर, तो अपने को फाइनल की होगा, एक तो डॉटर न्यूक्लियर हो गया, एक अल्फा पार्टिकल हो गया। जो एनर्जी है, एनर्जी को आप मोमेंटम के टर्म के कंसीडर नहीं करते, ठीक है? आप किस कंसीडर करते हैं, एक आप पेरेंट आइटम को कंसीडर करांगे जिदा स्टार्टिंग ते रेस्टी है तो जीरो कंसीडर करना है, एक आप डॉटर न्यूक्लियर कंसीडर करांगे, एक आप अल्फा पार्टिकल कंसीडर करांगे, ठीक है? तो जीरो इज इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा प्लस एम डी वी डी हो जाएगा। तो ये जो अपने को फॉर्मूला की बनो, माइनस एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल टू एम डी वी डी, तो वी डी की इक्वल बन जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू माइनस एम अल्फा वी अल्फा बाय एम डी। आपने को बन गई VD दी इक्वेशन, विल मार्क इट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? तो अपने कोल काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी, सो काइनेटिक एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शंस। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी, क्यों है काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी रिलीज हो रही है, इट इज इक्वल है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम डी वी डी स्क्वायर, ठीक है? तो एक अपने को डॉटर न्यूक्लियाई हो गया, एक अपने को अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी। हुण आपां ने डॉटर न्यूक्लियाई की रिलेशन फाइंड किया है फर्स्ट इक्वेशन दे विच, तो अपने को की आ जाऊगा, इट वुड बी हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ एम डी स्क्वायर इंटू माइनस एम अल्फा वी अल्फा बाय एम डी स्क्वायर। आ चीज हूँ आ चीज़ न इक्वेशन थोड़ा जहाँ मैं साइड पर कर रहा टू मेक इट स्पेस, एंड जिन्होंने नहीं मेरे साथ नोट हो जाना, जिसे हल तक नहीं हुए तो पॉज करके नोट करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो हाफ
एम अल्फा वी अल्फा इसके कॉमा निकल जो अंदर बचू 1 प्लस अपने को बचूगा 1 प्लस इतने एम डी स्केयर ना वैसे एम डी स्केयर कैंसल हो रहे हैं एक मिनट को ये इतने स्केयर नहीं आ रहा यस हो ठीक है एम डी स्केयर नीचे जा रहे हैं एम अल्फा ऊपर आ गया बाकी सारे टर्म्स क्योंकि कॉमन हो गया तो अपने को हो गया हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्केयर ब्रैकेट एम डी स्केयर जो एक एम डी बचा ठीक है ये कैंसिल हो गया ये हो गया एम डी प्लस एम अल्फा तक क्या हुआ गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिख सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डॉटर न्यूक्लियाई का मास कितना है -4 अल्फा का मास कितना है 4 तो डॉटर का मास कितना है -4 तो 4 और 4 कैंसिल हो गया आपने को पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इनटू ए ओवर ए माइनस फोर तो अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की इक्वल बन गई इट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ए माइनस फोर बाय ए टाइम्स टोटल एनर्जी क्योंकि अपने को टोटल एनर्जी रिलीज्ड तो सब तो पहला अपने कितना मोमेंटम कंजर्व किया लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके अपने फाइंड की वैल्यू वीडी दी फिर आप ने देखा जी कनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के बीच ओके देखो है वो एनर्जी अल्फा पार्टिकल दे ठीक है तो वह एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई दे कनेटिक एनर्जी दी बी डी की जगह पर आपने फर्स्ट इक्वेशन तो आउटपुट किया सॉल्व करके इस बन गया 1 प्लस एम अल्फा बाय एम डी तो अपने को बन गया एम डी प्लस एम अल्फा बाय एम डी डॉटर न्यूक्लियाई का मास कितना ए माइनस फोर अल्फा का सॉरी अल्फा का मास कितना 4 डॉट निकले ए माइनस 4 4 नाल 4 कैंसिल अपने को बचा कनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू ए बाय ए माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को किया गया कनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी हम इस तो बाद थ्योरी चलूगी ठीक है एंड आई होप तुम नोट कर लिया होगा जो नहीं नोट होया तो आप पॉज करो नोट करो एको ही है मैथड का नल इजी लिया क्योंकि नहीं गई थ्योरी थी मतलब की है कि जेडे अल्फा पार्टिकल्स बाहर आएंगे वो सेम कनेटिक एनर्जी तो आएंगे ठीक है बट होंदा नहीं है तो थ्योरी देख लो की है इट मीनस that all the alpha particles come out with same kinetic energy from one type of nuclei the nuclei to same kinetic energy na bahar aa rahe ne ठीक है ये थ्रेटिकली आंसर बट एक्चुअल की हो जाएगा देखिए चलो नाला नोट करी चलो तो जेडी कनेटिक एनर्जी होंगी अल्फा पार्टिकल की इन कैलकुलेशन तो होंगी 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है स्टेटमेंट देखो कनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is around 4 to 9 mega electron volt but minimum energy required by alpha particle to come out of nucleus
is 25 MeV. ठीक है, हम ध्यान ना समझो, जे न्यूक्लियस दे स्ट्रक्चर तो बाहर आना है, लेट या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स भी नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी नहीं, उन जे इस दे विचो अल्फा पार्टिकल बाहर आना है, तो उसनों कट्टो कट किन्नी एनर्जी दी है 25 MeV, बट केड़ी आपा ने हुन रिएक्शन की थी है, उदे विच किन्नी आती है, सॉल्व करके वैल्यू, वो वैल्यू बन दी है जस्ट 4 टू 9 MeV, तक केड़ी पॉसिबिलिटी है कि यह बाहर का आ रहा है बट एनर्जी नहीं है. ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर क्वांटम फिजिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया कि में क्लासिकल फिजिक्स को कुछ और नहीं चीज तो अलावा तो क्लासिकल फिजिक्स कुडंट एक्सप्लेन इट, क्लासिकल फिजिक्स कुडंट एक्सप्लेन इट, बट According to quantum physics, alpha particles strike the walls of nucleus with 10 to 20 times per second. तो आप कितने बार एक सेकंड से कितने बार स्ट्राइक करते हैं? 10 to 22 times स्ट्राइक करते हैं. So alpha particles have more probability to come out. ठीक है? To alpha particles has some definite probability to come out of the nucleus and this concept is called tunneling of nucleus. This concept is called tunneling of nucleus. ठीक है, तो पॉइंट समझो अपना इतों स्टार्ट होगा जिहड़ा हैगा टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस की डेफिनेशन भी आ जाती है कि एक्चुअल दे विच की हुंदा है. दिस इज कॉल्ड टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस. एक्चुअल की हुंदा है कि जेदे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जेदे अपने अल्फा पार्टिकल्स की कैलकुलेशंस वाइज हुंदे ने उहनां दी एनर्जी की हुंदी है 4 तो लेके 9 MeV तक, बट इस नूं न्यूक्लियस तो बाहर निकलण वास्ते किन्नी एनर्जी चाहिए? घट्टो घट 25 MeV एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो सिंपल फिजिक्स नाल तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्लासिकल फिजिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट जी क्वांटम फिजिक्स है उसने की कहा, क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि जी द न्यूक्लियॉन्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस नाल विद द स्पीड ऑफ 10^22 पर सेकेंड. जब वह सरफेस नू स्ट्राइक कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर स्पीड से, तो उस मूवमेंट से होया कि उस मूवमेंट से वह बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि 10^22 एक सेकेंड के स्ट्राइक करना कोई छोटी चीज़ नहीं है. जब उन्होंने प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्ट्राइक करने की तो बाहर भी निकलेंगे. तो किसने एक्सप्लेन किया सी, ये किया सी अपनी क्वांटम फिजिक्स ने. दिस वाज नॉट इवन डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि उसने तो सिर्फ एनर्जी बेस से कहता, बट क्वांटम फिजिक्स ने केस को एलैबोरेट किया. ठीक है, क्लियर सारे? सिंपल है, औखा नहीं है. एंड दिस कंसैप्ट पर्टिकुलर कंसैप्ट इज कॉल्ड टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस विच टनल बना के बाहर जाता है इस मेथड नाल. ये अपने को हो गया अल्फा डिके द मैथमेटिकल पार्ट. दिस इज पार्ट ऑफ अल्फा डिके. फिर आप करेंगे बीटा डिके. ठीक है, बीटा डिके की भी यही स्टोरी है. उन्होंने जिन्होंने नोट कर लिया बेस्ट है, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके बैक वाला नोट करो. तो नेक्स्ट सेटिंग भी है बीटा डिके, क्योंकि थ्योरी थ्योरी है. एक अपने को आऊगा न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर का मैं हाल आज नहीं डिस्कस करा, जो टाइम मिले ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस करो. 5 नंबर आर्टिकल है, लेंथी है. तो बीटा डीके की होंगे अपने को एक्स जेड ए है, एक नंबर वाई प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी. ठीक है, तो अपने को ए बनता सीगा मास नंबर चेंज नहीं करता एंड एटॉमिक नंबर इनक्रीज कर जाता है. तो दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई,
this is beta particle, negative chate beta particle, and this is energy. ठीक है, तो जिधि इस रिएक्शन है, इसी को रिएक्शन है, इस जो हो की रही है कि एक न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन दे विच चेंज हो रही है, आप प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस दे विच हो रही है, जब तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दे विच चेंज होता है, तो अपने कोल एक की निकल रहेगा, तो अपने कोल एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रही है, आ रिएक्शन है, ठीक है, उधर इंटरनल की हो रही है, आ वाली चीज हो रही है, इंटरनल की हो रही है अपने कोल, इंटरनल ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस दे विच तो है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन च कन्वर्ट हुआ, जब तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन च कन्वर्ट हुआ, पीछे उसने एक बीटा पार्टिकल देता, यही ऊपर इक्वेशन च रिप्रेजेंट किया है, बट इस दे विच कुछ प्रॉब्लम सी नहीं, द अबव, ध्यान ना देखो, द अबव रिएक्शन हैव फॉलिंग टू प्रॉब्लम्स, तो इस रिएक्शन दे विच नीचे लिखी हुई दो प्रॉब्लम सी नहीं, ठीक है, फर्स्ट आउट we can prove that all beta particles the same energy hogi, theek hai, is equation de according sare beta particle jehde emit ho rahe ne same energy contain karenge jive alpha particles hi, but practically ave nahi hunda, theek hai, we can prove that all the beta particles emitted from one type of nuclei will come out with same energy, kinetic energy, but practically energy change hundi hai, but practically it was not so, but practically ki hundi hai graph banda practically kinetic energy है, a number of beta particles है, तो graph है जाता है, number of beta particles, तो according to this particular equation आप आए show कर सकते हैं कि जेड़े number of beta particles बाहर निकल रहे हैं, उनकी energy की same है, but practically same नहीं होती, practically kinetic energy vary करती है, ठीक है, तो second point अपने को आ जाता है, second point वास्ते space चाहिए है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा जगह कर रहा हूँ, तो तुसी की करना है, तुसी होप्स हो एक तरह का नोट हो ही गया होगा थोड़ा, सेकंड चार्ज इंदा अपने को रोटेशन आ जाएगी, पहले चार्ज अपने को एनर्जी आ गई, सेकंड चार्ज अपने को आ चुकी रोटेशन, द सेकंड पॉइंट वी हैव बीटा पार्टिकल्स हैज स्पिन प्लस वन बाय टू एच बाय टू पे, सो डॉटर न्यूक्लियाई शुड हैव स्पिन माइनस वन बाय टू एच बाय टू पे, हूँ स्पिन की अपने को खुद दे एक्सिस दे द्वारे रोटेट करना, मतलब इस इक्वेशन दे अकॉर्डिंग, ठीक है, जे अपने को बीटा पार्टिकल दी रोटेशन आ चलो स्पिन, तो जेड़ा अपने को डॉटर न्यूक्लियाई उसकी स्पिन आ होनी चाहिए थी, ठीक है, बट एक्चुअल की होंगे कभी पॉजिटिव होंगी कभी नेगेटिव होंगी, तो स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, तो इक्वेशन की सी अपने को जेड एक्सिस ये वाई बन रहा सी प्लस जी, इसकी स्पिन पॉजिटिव है तो वाई की स्पिन नेगेटिव होगी टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एक्स की स्पिन है ही नहीं कोई, ठीक है, बट प्रैक्टिकली एवं नहीं होया, बट प्रैक्टिकली जो डॉटर न्यूक्लियाई है कभी स्पिन आनी जीरो कभी आनी है इंटैग्रल, इस की वन बाय टू, वन बाय टू की फ्रैक्शन च है, बट प्रैक्टिकली डॉटर न्यूक्लियाई either had zero
और इंटेग्रल स्पिन आइदर हैड जीरो या तो जीरो सी या फिर इंटेग्रल स्पिन सी। तो इन्हां दो रीजनस के कारण यह जी इक्वेशन आपने इलैक्ट की सी इसनों रोंग प्रूव किया गया। ठीक है, ड्यू टू अबव टू रीजनस और प्रॉब्लम्स, रीजनस लिख लो, प्रॉब्लम्स बोल लो, द रिएक्शन वॉज मॉडिफाइड, द बीटा डीके रिएक्शन वॉज मॉडिफाइड। तो स्टेप समझो होया कि सब तो पहला की आ गया कि जे आप ओपन इक्वेशन कहने की सही है तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जेडे बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं उन्होंने सारे एनर्जी जुड़ी जी है सेम, बट प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया तो जेडे बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले से उन्होंने एनर्जी भी की सी डिफरेंट सी, वेरी कर रही थी, उन्होंने ग्राफ दिता हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि इस इक्वेशन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर आ गया अपने को सैकेंड पॉइंट आ गया कि जो अपने को पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, ये इंटरनल हो रही है ना चीज, जो पेरेंट न्यूक्लियाई का एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो डॉटर न्यूक्लियाई ते बीटा पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब जो अपने को बीटा पार्टिकल का स्पिन जो है प्लस हाफ होंगे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज प्लस हाफ होगा। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन होगा तो अपने को जोड़ा डॉटर न्यूक्लियाई है वह स्पिन होना चाहिए है माइनस हाफ, बट प्रैक्टिकली या तो यदि स्पिन से जीरो या से इंटैग्रल मल्टीपल। तो अपने को दो पॉइंट्स बन के जिन्हों तो पता लग्या कि जी इक्वेशन है उस कुछ ना कुछ पेंडिंग है, मिसिंग है, तो अपने की किया फिर उसके बाद चेंज किया। तो अपने को नेक्स्ट सेटिंग आती है मोडिफाइड, द्वारा लिख लेते चाहे तो अपने को इक्वेशन क्योंकि मॉडिफाई होगी तो अपने को हो गया मॉडिफाइड बीटा डी द इक्वेशन मॉडिफाई किवें की चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉडिफाइड बीटा डीके आ गया तो इस दे विच की किया दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये अपने को बीटा पार्टिकल है, फिर अपने ये एनर्जी है इस दे विच एक पार्टिकल लेट किया जिसनों नवा नाम दिता दैट नेम इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रीनो, ना नोट कर लो एंटी न्यूट्रीनो। इसने की किया इसने दो जो ड्रॉबैक्स चल रही थी लिमिटेशन चल रही थी उसने पूरा किया करके डिस्कस करते हैं। देखिए तो होया कि डॉटर न्यूक्लियाई का मास तो सेम है, बस एक एक्सट्रा पार्टिकल आ गया दिस इज बीटा पार्टिकल। तो अपने को एक्सट्रा पार्टिकल आ गया जिसनों अपन ने नाम दिया एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, उस नाल एनर्जी एमिट की तो इस आप समझ सकते हैं कि जिस मूवमेंट से न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन ने प्रोटोन कन्वर्ट किया गया तो उस मूवमेंट से उत्थे एक बीटा पार्टिकल निकलिया एंड एक एंटी न्यूट्रीनो निकलिया। ठीक है, तो उस मूवमेंट से बीटा पार्टिकल के नाल एंटी न्यूट्रीनो भी निकलिया। एंटी न्यूट्रीनो ने एक तो एनर्जी वाली टर्म को जस्टिफाई किया, दूसरा उसने इसके मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व उसको जस्टिफाई किया। तो बाद यही लैट किया गया कि यही हो रही है, थ्रैटिकली भी यही हो रहा है, प्रैक्टिकली भी हो रहा है, ताई ये जो दो ऑब्जरवेशन उन्होंने प्रोडक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ एंटी न्यूट्रीनो। ठीक है, जिमें अपने को ग्राफ से एनर्जी वाला, जे अपने को एंटी न्यूट्रीनो को एनर्जी ज्यादा होगी बीटा को घट जाऊ, बीटा पार्टिकल घट जाऊगी, जे अपने को एंटी न्यूट्रीनो को एनर्जी ज्यादा होगी तो बीटा को घट जाऊ, जिस को घट होगी तो बीटा को बढ़ जाऊ। तो अपने को पॉइंट्स केड़े बने देख लो, नाउ एवरी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज शेयर्ड बाय, ठीक है, नाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज शेयर्ड बाय थ्री पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स शेयरिंग हो रही है किधर किधर विच कर पार्टिकल्स, वन डॉटर न्यूक्लियाई है तो इक्वेशन भी दिख रहे, सेकंड बीटा पार्टिकल है, फिर एक एंटी न्यूट्रीनो है एंड एंटी न्यूट्रीनो,
सिंपल तो तीन पार्टिकल्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਕੋਲ ਘਟ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਜੇ ਬੀਟਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਕੋਲ ਘਟ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇਫ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ એનર્ਜੀ ਦੈਨ beta will have lesser kinetic energy and vice versa okay and this was observed practically also so practically bhi yahi observe hua hai कि जिन्नी एनर्जी हैगी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि जे अल्फा सॉरी अल्फा तो ही कह रहे हैं अपन जे बीटा की एनर्जी बढ़ रही है तो की हो रहा है उस तो एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी घट जूगी जे बीटा की एनर्जी घट रही है तो एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी ज्यादा हो जूगी तो ये चीज अपने को बन गई ठीक है मॉडिफाइड बीटा डीके हो गया तो इस एनर्जी वाला पॉइंट हो गया सैकेंड वाला हो अपने को स्पिन वाला पॉइंट वो भी लेंथी पॉइंट है ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਸਪਿਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਪਲੱਸ 1/2 ਐਚ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਚੱਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਿਨ ਪਲੱਸ ਐਚ ਬਾਈ 2 ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੀ अभी गायब करते हैं थोड़ा जा स्पेस की सही डिस्कस हो जाएगा जी अपने को बीटा पार्टिकल की स्टैंडर्ड स्पिन है दैट इज एच बाई टू ठीक है तो जे एंटीनो एंटी न्यूट्रीनो की स्पिन भी प्लस 1/2 एच बाई टू पाई है तो टोटल जीरो होंगे क्योंकि यदि पेरेंट की जीरो है तो यह कि बचूगा तो यह माइनस 1 × एच बाई टू पाई तो इंटैग्रल मल्टीपल हो गया नैगेटिव जे बीटा की स्टैंडर्ड है कि है कि 1/2 प्लस 1/2 एच बाई टू पाई है तो जे एंटीनो न्यूट्रीनो की प्लस की जगह पर माइनस 1/2 एच बाई टू पाई हो जाएगी तो टोटल जीरो हो जाएगा तो अपने को डॉटर न्यूक्लियाई की इंटीग्रेशन की की हो जाएगी अपने को इंटैग्रल मल्टीपल हो जाएगा एंगल का क्योंकि तो जीरो ही है तो अपने को आह चीज़ हो गया इंटैग्रल मल्टीपल आह चीज़ हो गया जीरो तो दिस इज जस्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंटी न्यूट्रीनो ठीक है इस नंबर थ्रेटिकली लिखांगे देख लो किवें लिखना है एंड जिन्होंने उपरला पॉइंट नोट नहीं किया तो पॉज करो वीडियो में नोट करो सेकंड पॉइंट अपने कुल की बनूंगा इफ beta particle has spin plus 1/2 h by 2 pi जो नीचे लिखे हैं उसने वर्डिंग लिखे हैं ठीक है and anti neutrino has spin plus 1/2 h by 2 pi तो दोनों प्लस हो गए तो अपने को डॉटर न्यूक्लियर स्पिन कि बन जूगा इंटैग्रल बन जूगा दैन डॉटर न्यूक्लियाई विल हैव स्पिन ऑफ माइनस 1 एच बाई 2 पाई दैट इज इंटैग्रल मल्टीपल ठीक है तो इंटेग्रल मल्टीपल हो जाएगा इफ एंटी न्यूट्रिनो हैज स्पिन किन्नी हो जाएगी माइनस 1/2 एच बाई टू पाई क्योंकि अपने को बीटा पार्टिकल तो फिक्स है देन डॉटर न्यूक्लियाई will have
zero spin. And this was observed practically observed. So this is ना एक तो अपने को energy वाला point हो गया, एक अपने को point हो गया spin वाला. Spin दे विच की है जे अपने को anti neutrino को minus 1 by 2 h by 2 pi है, तो अपने को daughter nuclei को कितना हो जाएगा minus 1 हो जाएगा. That is the integral multiple. जे अपने को anti neutrino को उल्टा बोल गया मैं, जे anti neutrino को negative चाहिए था उसको daughter को zero हो जाए, जे एंटी न्यूट्रिनो को प्लस 1 बाय 2 एच बाय 2 पाई है, तो डॉटर न्यूक्लियर को कितना हो जाएगा माइनस 1 एच बाय 2 पाई. दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई. ठीक है, तो ये हो गया अपने को बीटा डीके की मॉडिफाइड वर्जन, जिस जिससे अपने एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर लिया. दैट पर्टिकुलर पार्टिकल की नेम है एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने को अंदर बीटा नेगेटिव डीके बीटा पॉजिटिव डीके. देख लो कि अपने को पॉजिट्रॉन ते इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस की है. याद की रखना बीटा पार्टिकल जो होता है दैट इज अ पार्टिकल एमिटेड बाय न्यूक्लियस ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्शन. द बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है जो न्यूक्लियस एमिट कर जाएगा ड्यूरिंग केडी रिएक्शन दे विच न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को अंदर बीटा नेगेटिव डीके द इक्वेशन देख लो. बीटा नेगेटिव डीके का जो बीटा डीके भी कहते हैं, तो जो न्यूट्रॉन स्टेप समझियो, जो न्यूट्रॉन ये सारा कुछ न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन प्रोटोन के चेंज होगा उस मूवमेंट से अपने को प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्रोटोन प्रोड्यूस हो रहा है. तो एक प्रोटोन प्रोड्यूस हो रहा है, एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस. ठीक है, बट बीटा पॉजिटिव कदों डीके होगा जो एक प्रोटोन जो होगा, तो अपने को जो एक प्रोटोन एक न्यूट्रॉन के कन्वर्ट होगा तो उस मूवमेंट से अपने को एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा, एक न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा. न्यूट्रिनो का भी यही काम है जो एंटी न्यूट्रिनो का, एनर्जी ने डिस्ट्रीब्यूट करता है. फिर कुछ नहीं होगा, नाम ऑपोजिट करते ऊपर लेनू एंटी न्यूट्रिनो है तो इसको अपने न्यूट्रिनो कहता. देखिए दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन. एक्चुअल दे विच प्रैक्टिकली भी की हुंदा हैगा, दोनों रिएक्शंस इनसाइड द न्यूक्लियस हुंदे ने, इनसाइड द न्यूक्लियस हुंदे ने, पर न्यूट्रॉन जो हुंदा स्टेबल नहीं हुंदा आउटसाइड द न्यूक्लियस. तो अपने को आवली रिएक्शन दा वैसे हुंदी ने भी सारे पास से आवली रिएक्शन से कद हुंदी है जदों काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो अपने को की होगा द फ्री प्रोटॉन है वो स्टेबल है, बट फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं है, तो न्यूट्रॉन का टूट के प्रोटोन प्रोटोन इतने लिखना से गलत लिख गया मैंने. यस, तो ये बीटा पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल जिन्होंने मर्जी कह सकते हैं. ठीक है, तो एक ही अपने को प्रोटोन है, तो प्रोटोन तो स्टेबल हैगा तो फिर जुगा है, जिस तरह बीटा पार्टिकल नेगेटिव था अपन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होगा, बट न्यूट्रॉन जो है ना प्रैक्टिकली रहता नहीं है. जी न्यूट्रॉन प्रैक्टिकली रहता नहीं है तो वो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. दैट इज ओनली पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस जिथे बैलेंस चलता है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन च कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन च कन्वर्ट हो जाता है, यही एक दूजे नाल इक्विलिब्रियम कंडीशन चलती है. बट आउटसाइड द न्यूक्लियस सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन च कन्वर्ट हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन च कन्वर्ट नहीं हो सकता बिकॉज वो स्टेबल नहीं है एंड उस वास्ते एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए है कन्वर्जन वास्ते. ठीक है, तो देख लो कि लिखना है. फर्स्ट पॉइंट वी हैव मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता वैसे प्रोटॉन तो, न्यूट्रॉन इज अ लिटिल मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन. Inside the nucleus, both reactions takes place. Inside the nucleus, both reactions occur, yeah, are going on. But
outside the nucleus. Only first happen because second वास्ते अपन energy खुद ही नहीं होगी and second cannot takes place and second cannot take place because mass defect is negative. Because mass defect is negative. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर डेल्टा एम नेगेटिव हो जाता है, ध्यान ना देखो आप प्रोटॉन हल्के न्यूट्रॉन हैवी है, तो नॉर्मली क्या होता है हैवी तो हल्के च कन्वर्ट करना सौखा होता है, हल्के तो हैवी च कन्वर्ट करना सौखा नहीं होता. ठीक है, तो अपने को सेकंड पॉइंट जो बनता है कि अपने को प्रोटोन जो है वो स्टेबल पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता. ठीक है, सो न्यूट्रॉन प्रोटोन च कन्वर्ट होता रहता है बट प्रोटोन न्यूट्रॉन च कन्वर्ट नहीं होता आउटसाइड द न्यूक्लियस. की गल कर रहे हैं अपने को भी बनता है फ्री प्रोटोन इज अ स्टेबल पार्टिकल. फ्री प्रोटोन ये स्टेबल पार्टिकल है. ठीक है, बट फ्री न्यूट्रॉन जो है स्टेबल नहीं, बट फ्री न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल, न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल. So it gets converted into proton. So it gets converted into proton. The proton convert the way you are. Proton to neutron convert nahi hoga outside the nucleus. The apne goal ki si apne goal is theory jo aaj thi si. Us to baad apne goal gamma decay hoga chota ja hota. Theek hai, easy koi ukha nahi hai. Phir apne goal nuclear reaction se sare parts aa jayenge. Aise gamma decay kar liye badhiya gall hai. फिर अपने को न्यूक्लियर रिएक्शन बचूंगा. ठीक है, डायग्राम बचूगी, तो पहला ये थ्योरी वाले पॉइंट्स नोट कर लो, फिर वेले कर देने. इस चैप्टर थ्योरी ज्यादा है, तो अपने को नेक्स्ट हेडिंग बनती है गामा डीके. ठीक है, तो गामा डीके क्या होगा अपने को, जिस मूवमेंट थी अपने को एक्साइटेड स्टेट जो ग्राउंड स्टेट पे आऊंगा. ठीक है, उस मूवमेंट पे जी एनर्जी निकलेगी दैट इज कॉल्ड गामा रेज. तो क्या होता है, नॉर्मली आफ्टर अल्फा और बीटा डीके, आफ्टर अल्फा और बीटा डीके द न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट. न्यूक्लियस इज इन excited state. The nuclear excited state charge in there. Okay, it returns to ground by emitting some energy jo gamma radiation. It returns to ground state by emitting some energy. The form of gamma radiations. ठीक है, the gamma radiation the form चल energy emit होती है. सिंपल, दिस इज द रेडिएशन एमिशन ऑफ गामा. फिर एक डेफिनेशन बनती है अपने को क्यू वैल्यू. सिंपल, क्यू वैल्यू ही है जी अपने इक्वेशन लिखी थी कि जी एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन च एमिट होती है दैट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट energy
लिब्रेटेड और एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरिंग जी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या जी एनर्जी एमिट होगी उस पर्टिकुलर एनर्जी को अपनी कहेंगे क्यू वैल्यू। ठीक है क्लियर। तो ये हो गया अपने को थ्योरी थ्योरी वाला चला पोर्शन। कल आप सारा का सारा डिस्कशन करा न्यूक्लियर रिएक्टर के बेस पर।